प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर भारतीय अंगदान दिवस पखवाड़े के मद्देनजर राज्य के जिला अस्पताल फलोदी में टीम महेश व्यास द्वारा किया गया 100 यूनिट से भी अधिक का रक्तदान। फलोदी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त यूनिट की कमी को देखते हुए पीसीसी महासचिव महेश व्यास के एक आह्वान पर आज अंगदान पखवाड़े के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक तत्कालीन स्वैच्छिक रक्तदान शिविर राज्य के जिला अस्पताल फलोदी के ब्लड बैंक में आयोजित किया गया। टीम महेश व्यास के तत्वावधान में आयोजित इस रक्तदान कार्यक्रम में सुबह से ही जिला चिकित्सालय फलोदी में फलोदी शहर व ग्रामीण क्षेत्र से युवा रक्तदाताओं की रेलम पेल लगी रही। गौरतलब है कि पीसीसी महासचिव महेश व्यास फलोदी में विश्व स्तरीय पशु पक्षी चिकित्सालय खोलने के संकल्प को लेकर 40 लीटर गंगा जल लेकर हरिद्वार से फलोदी वाया जयपुर के रास्ते कावड़ यात्रा पर चल रहे हैं। कल ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी टीम को इस रक्तदान हेतु आह्वान किया था, जिस पर उन्होंने शिविर की कमान टीम के साथी मनीष सोनी को दी। उनके कथानुसार आज फलोदी रक्त कोष की क्षमता को देखते हुए स्टाफ ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि रक्तदान करने वालों की संख्या सर्वाधिक होने जा रही थी। हॉस्पिटल क्षमता अनुसार 103 यूनिट रक्तदान किया गया। सुबह से ही नगर पालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान, फल सब्जी मंडी अध्यक्ष अजय व्यास, रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलोदी के संचालक भास्कर पुरोहित, सरपंच प्रतिनिधि मलार मनोज बोहरा, सरपंच प्रतिनिधि सावरेज शिषपाल विश्नोई, नगर पालिका पार्षद दीनदयाल जोशी सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता व संपूर्ण टीम महेश व्यास उपस्थित रही और रक्तदान में सहयोग किया। महेश व्यास को दोस्तों खुशखबरी थी कि ब्लड बैंक में ब्लड की भारी कमी है, इसको देखते हुए टीम महेश व्यास द्वारा एक यान पर हमारे युवा नेता महेश व्यास के 150 से 200 लोग आ चुके हैं, 100 यूनिट अभी हो चुके हैं और भी लोग खड़े हैं बाहर लेने के लिए। हाँ भाषण महोदय, महेश व्यास द्वारा जो है कैंप ब्लड की कमी के कारण सारे पार्षद और सारी जनता युवा जनता जो है वो ब्लड देने के लिए सब हाजिर है। 100 यूनिट से ऊपर तो ब्लड आ गया है और भी चांस है। बहुत बहुत धन्यवाद है महेश जी का, समस्त महेश व्यास की टीम है। हमारी कमी ब्लड डोनेट इसमें ब्लड बैंक में इस तत्वाधान में तुरंत प्रभाव से युवा पीढ़ी को आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर रही है। धन्यवाद है पूरी महेश व्यास टीम को, धन्यवाद है पहलवान साहब चेयरमैन साहब को और पूरी युवा टीम को, धन्यवाद। आज ब्लड बैंक की तरफ से सूचना दी गई टीम महेश व्यास को कि हमारे यहाँ पे ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है। इस मौके पर महेश व्यास के एक आन के लगभग 150 से 200 यूनिट के आसपास ब्लड किया जाएगा। युवाओं की काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है और लगभग 70 यूनिट के आसपास तो आ चुका है और 100 से ऊपर जितनी यहाँ आ सकता है उतना ब्लड की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले भी जरूरत पड़ने पर टीम महेश व्यास द्वारा किया गया रक्तदान? एक बार 1100 यूनिट के आसपास ब्लड दिया था, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ब्लड डोनेट किया था लोगों ने और युवाओं में आज भी बहुत अच्छा उत्साह है और मैं भी खुद यहाँ अभी ब्लड डोनेट करके आ रहा हूँ। आप सरपंच हैं? बिल्कुल। कहाँ से? सावरी। फलोदी पंचायत समिति में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में उत्साहित जनसाधारण की उपस्थिति ने लगाई जन समस्याओं की झड़ी, कुछ समाधान तो कुछ को मिला आश्वासन, पत्रकार तलाशते रहे अपना स्थान। नव सृजित फलोदी जिले के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह सिंधु की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आमजन की समस्याओं के समाधान के दृष्टिगत जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वही पत्रकार अपना स्थान तलाशते रहे लेकिन उनके बैठने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा आवश्यक नहीं समझी गई। जानकारी के अनुसार नए फलोदी जिले के नए कलेक्टर जसमीत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में फलोदी जिले के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने गांव ढाणियों की तमाम समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए, जिनका संबंधित विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में संज्ञान में लाकर उनका समाधान भी किया गया। वहीं कुछ परिवादियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान वहां आमंत्रित मीडिया कर्मी अपने बैठने का स्थान तलाशते रहे। वही पूछे जाने पर बताया गया कि इस जन सुनवाई कार्यक्रम में सभी पत्रकारों का एक साथ प्रवेश निषेध है, एक पत्रकार जाकर कवरेज करने की व्यवस्था है। गौरतलब है कि पूरे जन सुनवाई कार्यक्रम से बाहर रहकर कैसे कोई पत्रकार आमजन से जिला कलेक्टर की वार्ता को कवर कर सकता है? तो फिर प्रेस नोट पर ही खबर को प्रकाशित करवाने की प्रशासनिक मंशा थी तो पत्रकारों को आमंत्रित ही क्यों किया गया? पूर्व राज्यसभा सांसद
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण लाल पंचारिया की विधानसभा चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक बनने पर फलोदी में जश्न। फलोदी के भैरवी चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद मुख्य सचेतक व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण लाल पंचारिया के विधानसभा चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक बनने पर फलोदी के भैरवी चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नारायण लाल पंचारिया जिंदाबाद के जमकर नारे लगाकर गगन चुंबी आतिशबाजी कर खुशी मनाई व एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया को प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति का संयोजक नियुक्त किए जाने पर समूचे फलोदी जिले में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। इस दौरान पूर्व जीएसटी कमिश्नर व भाजपा के नेता दिनेश कुमार रंगा, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास सहित पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शहर के बैरली चौराहे पर जमकर गगनचुंबी आतिशबाजी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नारायण पंचायत जिंदाबाद के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पूर्व जीएसटी कमिश्नर रंगा ने बताया कि फलोदी मूल के नारायण पंचारिया के प्रदेश विधानसभा चुनाव समिति के संयोजक पद पर आसीन होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पंचारिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर फलोदी को मान और सम्मान दिया। जीएसटी कमिश्नर ने कहा कि पंचारिया की जिम्मेदारी को फलोदी ही नहीं समूचा जिला जोधपुर भी एकजुटता के साथ दिखाकर आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से राजस्थान की 200 सीटों पर पार्टी की सभी सीटों पर विजयश्री दिलाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। आतिशबाजी के दौरान पार्टी के दिनेश रंगा के साथ भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जयप्रकाश बोहरा, शिव पंचारे सहित पार्टी के कार्यकर्ता व जनसाधारण की उपस्थिति बड़ी संख्या में रही। आज केंद्रीय संगठन ने हमारे फलोदी के जन्मे जाए श्रीमान नारायण जी पंचारिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्य उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में और पूर्व राज्यसभा सांसद और सचेतक, उनको आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। उसके खुशी में आज पूरे फलोदी के भाजपाइयों में, भाजपा कार्यकर्ता समर्थकों और पदाधिकारियों में भारी जोश खरोश है। उसी के उपलक्ष्य में आतिशबाजी की गई है। उनका इस तरीके से ऐसे आने से भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएगी। हमें पूरे केवल फलोदी नहीं बल्कि 200 विधानसभाओं में अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मतों से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी।